जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज आपके साथ मैं चैप्टर 18 का टेक्स्ट 23, 24 और 25 शेयर करना चाहूँगा। इसमें भगवान ने क्लासिफिकेशन समझाई है हमें कर्मों की, सात्विक गुण के कर्म, राजसिक गुण के कर्म और तामसिक गुण के कर्म। तो आइए सबसे पहले हम टेक्स्ट 23 में समझते हैं कि सात्विक गुण के कर्म कैसे होते हैं। दैट एक्शन विच इज रेगुलेटेड एंड विच इज परफॉर्म विदाउट अटैचमेंट, without love or hatred and without desire for fruitative result is said to be in the mode of goodness. जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वो सात्विक कहलाता है। तो फ्रेंड्स, सात्विक कर्म नियमित होगा, बैलेंस में जो चल रहा है इंडिविजुअल लाइफ में, बैलेंस बना के चलना, ये समझ पाना कि ब्रेक कहाँ लगानी है, राइट? कितना करना आवश्यक है और कितना करने के बाद उस चीज को छोड़ देना चाहिए और नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ लाइफ में फोकस करना चाहिए। फ्रेंड्स, लाइफ में ज्यादातर लोग बैलेंस नहीं जानते, तो सात्विक जो होगा वो नियमित कर पाएगा, अपने कर्मों को रेगुलेट कर पाएगा और उसको समझ आ जाएगा कहाँ पे कितना करना है। अच्छा, उसके बाद विदाउट लव और हेटरेट, सात्विक कर्म में फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा कि कोई इंटरनली बहुत ज्यादा किसी से अटैचमेंट होगी कि ये मेरा फ्रेंड है इसके लिए मैं ये कर दूंगा और वो इंसान मेरे फ्रेंड का दुश्मन है इसलिए वो भी मेरा दुश्मन है। तो सात्विक में हम न्यूट्रल होके चलेंगे विदाउट अटैचमेंट, जहां पे जो रिक्वायर्ड है ड्यूटी समझ के किया, किसी से द्वेष नहीं बना लेना है। नॉर्मल होता है थोड़े से इमोशंस होना ह्यूमन बीइंग्स में, लेकिन वो इमोशंस अनराइटियस बन जाते हैं जब किसी एक के साथ आपको लविंग इमोशंस डेवलप हो गए, अटैचमेंट हो गई और दूसरे के आप अगेंस्ट चले गए, जैसे धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। अपने बेटे से प्यार उसने इतना कर लिया था कि बाद में वो अंधा हो गया था और पांडवों के ऑपोजिट चला गया था। तो इस तरह से सात्विक में ऐसा नहीं होगा, सात्विक में एक इंडिविजुअल नियमित है और लव और हेट्रेड से ऊपर उठ के जहां पे जो रिक्वायर्ड है कर्म वो ड्यूटी समझ के वो करेगा बिना फलों की इच्छा के। तो फलों की इच्छा का त्याग करके जो कर्म किया जाता है फ्रेंड्स वो सात्विक है। फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि राजसिक कर्म क्या है। टेक्स्ट 24, बट एक्शन परफॉर्म विद ग्रेट एफर्ट बाय वन सीकिंग टू ग्रेटिफाई डिजायर्स एंड एनएक्टेड फ्रॉम अ सेंस ऑफ फॉल्स ईगो इज कॉल्ड एक्शन इन द मोड ऑफ पैशन। फ्रेंड्स, हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, राजसिक कर्म में क्या है कि इंडिविजुअल जब अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कोई कर्म करता है अहंकार में रह के, मतलब ईगो बेस्ड कर्म करता है, बहुत जोर लगाता है वो काम करने के लिए एंड अल्टीमेटली वो सकाम कर्म करता है, मतलब फलों की इच्छा से अटैच होके वो कर्म कर रहा है, वैसे कर्म फ्रेंड्स राजसिक है। आइए अब समझते हैं कि तामसिक कर्म क्या है। टेक्स्ट 25, द एक्शन परफॉर्म्ड इन इल्यूजन इन डिसरिगार्ड ऑफ स्क्रिप्चुअल इंजंक्शंस एंड विदाउट कंसर्न फॉर फ्यूचर बॉन्डेज और फॉर वायलेंस और डिस्ट्रेस कॉज टू अदर्स is said to be in the mode of ignorance. When मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वो तामसी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, तामसिक कर्म वो होते हैं जिसमें कोई टोटल अंधकार में है, बिल्कुल भी उसको राइटियसनेस का कोई आइडिया नहीं है, स्क्रिप्चर्स में क्या बताया है, धर्म क्या कहता है, मोरालिटी क्या कहती है, एथिक्स क्या है, जीरो फॉर दैट पर्सन। तो तामसिक कार्य वो होगा जिसमें मोरालिटी जीरो हो गई है और एक इंडिविजुअल अंधकार में दूसरों को दुख पहुंचाने वाले कर्म करता है, वायलेंस भी इसी का पार्ट है। वर्ल्ड में फ्रेंड जितने भी कर्मों को हम नेगेटिव कहते हैं, जैसे क्राइम हो रहे हैं, रेप, मर्डर, यू नो, बुलिंग होती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेसेस में, ये सारे कार्य जो हैं वो तामसिक हैं।
तो फ्रेंड्स एक बार मैं इसको आपके साथ रिवाइज करना चाहूंगा। सबसे पहले सात्विक, सात्विक कार्य वो है जो नियमित हो, बिना अटैचमेंट या हेटरेट के किया जाए और जो फलों की इच्छा का त्याग करके किया जाता है। तो जो सात्विक कार्य कर रहा होगा उसके चेहरे पे आपको एक शांति दिखेगी, तनाव नहीं होगा, काम तो वो बहुत कर रहा होगा लेकिन उसको उसका प्रेशर नहीं आएगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो सात्विक भाव से काम कर रहा है वो कुछ उस स्विमर की तरह है जो स्विमिंग विद द फ्लो ऑफ रिवर, मतलब जो तैराकी कर रहा है रिवर की फ्लो के साथ। तो आप सोच के देखिए, जब स्विमिंग कोई फ्लो ऑफ रिवर के साथ कर रहा है तो कितना ईजी लगता है उसको सब कुछ, राइट। अब राशि कर्म क्या है? जब ईगो से किया जाए, अहंकार से किया जाए और फलों की इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य किया जाए, तो वैसा इंडिविजुअल ऐसा समझ लीजिए कि तैराक है जो तैराकी कर रहा है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर। तो सोचिए कि कोई अगर तैरने की कोशिश कर रहा है पानी के बहाव के विपरीत तो उसको कैसा लगेगा, राइट। बहुत मुश्किल लगेगा उसको सब कुछ, यू नो, और उसके मुंह पे एक हमेशा एक यू नो फ्रस्ट्रेशन दिखेगी। अब राजसिक कार्य में कोई कभी अच्छा भी कर देता है और कभी बुरा भी कर देता है। राजसिककर्ता की जो इंटेंशन है वो अपना फायदे वाला भाव है, मुझे ज्यादा कैसे मिले, मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा सुपीरियर बनूं। उस पूरी प्रोसेस में कई बार वो किसी का भला भी कर देते हैं और कई बार वो बहुत सारे लोगों का नुकसान भी पहुंचा देते हैं, लेकिन उनका भाव जो है राजसिक कार्य में भाव ये नहीं है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, ठीक है। लेकिन जब तामसिक कार्य की बात आती है तो ऐसा समझ लीजिए कि तामसिक कार्य में तो भाव है एक इंडिविजुअल का, वो इंटेंशन ही ऐसी है कि मैंने दूसरों को दुख पहुंचाना है, तो दूसरों को दुख दे के ऐसे लोगों को मजा आता है। और फ्रेंड्स तामसिक कार्य इज समथिंग लाइक कि कोई दलदल में तैरने की कोशिश कर रहा है, समझ लीजिए इट्स टोटल इग्नोरेंस। ना तो वो वैसे इंडिविजुअल मटेरियली सक्सेसफुल होते हैं, ना तो वैसे इंडिविजुअल स्पिरिचुअली सक्सेसफुल होते हैं। जिन लोगों को हम जल्दी कहते हैं ना, बहुत नेगेटिविटी है इसके अंदर, तो बहुत नेगेटिविटी वाले जो कार्य हैं फ्रेंड्स वो तामसिक कार्य हैं। तो फ्रेंड्स आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प यू टू गिव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि सात्विक कार्य क्या है, तामसिक कार्य क्या है और राजसिक कार्य क्या है। और हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि ग्रेजुअली हमें अपने जीवन में ह्यूमैनिटेरियन वर्क और डिवोशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा तामसिक कार्य भी घटता जाए, हमारे जीवन से राजसिक कार्य भी घटते जाएँ और हम लोग सात्विक कार्य ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और फिर सात्विक कार्य से आगे बढ़ के दिव्य हो सकें, भगवान की भक्ति का भाव अपने अंदर लाके। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।